नमस्कार, कैसे हैं भाई आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं? चलो, आज आप लोग पाइथन की क्लास को एंजॉय किए होंगे खूब ज़्यादा, भर भर के। और चलिए बताइए फटाफट, पाइथन की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? पाइथन की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? डेमो क्लासेस कैसे लगी आप लोगों को, जल्दी बताइए फटाफट। आवाज़ हमारी जा रही है? चलिए, मजा आया पाइथन की क्लास में? सर ने तो एकदम आप लोगों को झकझोर के रख दिया। हम भी देख रहे थे, थोड़ी बहुत क्लास हम भी देखे हैं, और हम तो एकदम मस्त हैं भाई। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आज क्लास स्टार्ट होना है विनोद जी। आफ्टर दैट क्लास यू कैन कॉल मी। अब क्लास ओवर होने के बाद हमें कॉल करिएगा, हम रिसीव करेंगे, खुद ही रिसीव करेंगे। जो जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो क्लास ओवर होने के बाद कॉल करेगा, तो मैं खुद ही बात करूंगा, ठीक है? ऑफिशियली कॉल का टाइम ओवर हो चुका है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ओके। प्राची मैडम भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, आपको भी गुड इवनिंग। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाँ बिल्कुल, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो लोग भी देखें ध्यान से, और जिसको भी समस्या है कोई, अगर छोटी बहुत समस्या, वैसे आप लोग इतने प्यारे, इतने स्मार्ट, और इतने, अगर कल की भाषा में कहें तो क्यूट हो, कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्लास आपकी शाम को 8 से 10 नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी जुलाई 2021 में ओ लेवल को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग फटाफट आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां से आपको डिटेल सेंड हो जाएगी और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो हम लोग कल, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का सिस्टम। देखो, दुनिया में सबका सिस्टम होता है यार, सबका अपना अपना सिस्टम है। मेरा अपना सिस्टम है, आपका अपना सिस्टम है। दुनिया में हर एक व्यक्ति का हर जगह, हर क्षण, हर पल, हर जगह क्या होता है? सिस्टम होता है। लोग कहते ना, वो हमारा सिस्टम है। सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो तो सुन लो। लोग कहते हैं वो हमारा सिस्टम है। हाँ चलिए चलिए भाई, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, आज पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर के सिस्टम को। किसको पढ़ेंगे? कंप्यूटर के सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर हम आपके कंप्यूटर के सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? कंप्यूटर के सिस्टम की बात करें, तो हम लोग कहेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक्चुअली में पूरा कंप्यूटर है आपको, उसी में डिवाइड हो गया था। बात समझ में आई? हाँ देखिए, आकाश शर्मा जी आपके बैच पे शो करेगा भाई, डेमो क्लास ओवर होने के बाद आपके बैच में शो करेगा। क्यों इतना परेशान है आप? चलिए, आपकी बात करें अगर हम लोग सिस्टम की, तो आपके कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है, इस चीज को आप जान लो। कुछ सिस्टम के बारे में भी कोशिश करो। से पहले अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि कंप्यूटर हमारा, जिस तरीके से हमारी शरीर, ध्यान सुनना, जिस तरीके से हमारी शरीर छितजल पावक गगन समीरा, पता है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा ये कहावत, भाई पांच चीजों से मिल करके हम लोगों की शरीर बनी है। हमारा जो शरीर का ढांचा है, इतना स्मार्ट है वो, खड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी दो चीजों से मिल करके बना हुआ है। वो होता है पहला आपका हार्डवेयर, और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। पहला क्या होता है भाई? हार्डवेयर, और दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका पहला क्या होता है? हार्डवेयर, और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के आपकी डिवाइस इसमें मानी जाती है। दो यानी कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है? अगर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो इसका मतलब होता है
हाँ बिल्कुल, इसका मतलब होता है आपका जो हार्डवेयर होता है, इसमें चार पार्ट्स आपके कहे गए हैं। पहला आपका इनपुट है, दूसरा आपका आउटपुट है, और तीसरा आपका क्या है, मेमोरी है, और चौथा है आपका सीपीयू। चार पार्ट आपके कहे गए हैं। कितने पार्ट? चार पार्ट, यानी कि इनके चार बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, बड़े क्यूट क्यूट हैं सब। ये क्यूट क्यूट वर्ड कहीं बुरा तो नहीं लग रहा आपको? कोई बात नहीं, लगना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हड्डियों का ढांचा और सॉफ्टवेयर को आत्मा कहा जाता है, अगर सही बात है, अगर आरती की भाषा में कहें तो ऐसा सही बात है, आरती लैंग्वेज में यही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया हम लोगों को, ठीक है। हड्डियों का ढांचा हार्डवेयर और आत्मा आपकी क्या, सॉफ्टवेयर। जैसे हम ऐसे ही हम लोगों के शरीर में कार्य होता है, ऐसे ही क्या होता है हम लोगों के शरीर में होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में वैसे शरीर में होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपके पहले हार्डवेयर के बच्चे की बात करेंगे, इनपुट डिवाइस की। आज हम बात करेंगे एकदम खतरनाक इनपुट, इनपुट क्या होती है, इस बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ चलिए, अगर हम बात करें आपके किसकी, अगर हम बात करें आपके इनपुट डिवाइस की, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका डिवाइस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर, वो डिवाइस जिस डिवाइस से हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इंस्ट्रक्शन को इंटर करते हैं, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसे हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान में आप रख लो, ठीक है। वही हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे मान लो क्या हुआ, हम यहां से कहें ऐसा भैया देखो, आज तो आपका पता नहीं, आई डोंट नो, शाम हो चुकी है तो पता है सबको, बहुत अच्छे प्यारे हो। हम आपसे कहें भैया कॉपी किताब निकाल लो, हमने कहा बोला कॉपी किताब निकाल लो, ठीक है। हाँ कॉपी किताब निकाल लो, अगर कॉपी किताब निकालने के लिए हमने बोला, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी ने इनपुट को लिया। जैसे ही आपने सुना, कान से सुना, कहां से सुना, कान से सुना, और कहीं से सुनते नहीं हो, अरे कान से ना सुनते हो, कान से आपने सुना। जब कान से आपने सुना तो इसका मतलब हुआ कि आपने इनपुट ले लिया, क्या किया, आपने इनपुट ले लिया। और जब आपने इनपुट ले लिया तो क्या होता है, आप प्रोसेसिंग करोगे फिर आउटपुट दोगे, ठीक है, प्रोसेसिंग करोगे फिर आउटपुट दोगे। अगर हम बात इनपुट डिवाइस की, तो डिवाइस दैट यूज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह है छोटा सा इसका डिफिनेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, एग्जाम्पल क्या होता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताइए। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, किसकी बात करें, इनपुट डिवाइस की, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आजकल के समय में माना जाता है वो होता है कीबोर्ड, दूसरा क्या होता है आपका माउस, तीसरा क्या होता है आपका, चौथा क्या होता है, जॉयस्टिक के बाद क्या होता है, माइक्रोफोन, इसके बाद क्या होता है, कैमरा एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके, बहुत सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, होती हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइट पेन होता है, ठीक है, और आपका वेब कैमरा होता है, स्टील कैमरा होता है, ये स्कैनर होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। एक बात और जान लो, ठीक है, एक बात और जान लो, अगर हम इनपुट डिवाइस में बात करें, अगर ये कीबोर्ड नहीं रहेगा तो थोड़ा सोचो, हम लोगों को मान लो खूब बढ़िया सा गाना सुनना है,
कौन सा जो भी नया आया हो यार, मुझे नहीं पता, नया का नाम सुनते नहीं वैसे, ठीक है। अगर हम बात करें हम लोगों को कोई गाना सुनना हो तो हम लोग कैसे इंटर करेंगे, कैसे इंटर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है, हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से अल्फा न्यूमेरिक डेटा को इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में और फिर क्या करते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई, उसे पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें आपसे, कीबोर्ड क्या होता है, अब जान लो, आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं कीबोर्ड, इससे क्वेश्चन लाइफ टाइम कहीं से भी बनेगा अगर, ठीक है, तो वो समझ लो कि आप 100% गारंटी है कि हर जगह आप सॉल्व करके आओगे, ये मेरा चैलेंज है। उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, उसमें कोई चार्ज नहीं है। सभी लोग, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको पसंद आ रहा हो वो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। और जो कोई कंप्लीट क्लास ओ लेवल की ज्वाइन करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बात समझ में आई, क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब आवाज जा रही है, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, ठीक 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 सैली गौतम, हाँ वेब डिजाइन की क्लास इसके बाद स्टार्ट होगा, पाइथन और आईटी के खत्म होने के बाद, ठीक है, पहले पाइथन और आईटी चलेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम आगे की बात करें थोड़ी सी और, ठीक है, थोड़ी सी और बात करें कीबोर्ड की, अगर हम बात करें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज यूज टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डेटा इन द कंप्यूटर। क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा को इंटर करने के लिए, क्या करने के लिए, अल्फा बेट प्लस नंबर को इंटर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कीबोर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज अगर हम कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे एक नॉर्मल कीबोर्ड में, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाउ मैनी कीज इन आवर नॉर्मल कीबोर्ड, जल्दी बताइए, एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने कीज आते हैं, कितनी बटन्स आती हैं, जल्दी बताइए फटाफट, कितने बटन्स आते हैं आपके नॉर्मल कीबोर्ड में, जल्दी बताइए, सबके कमेंट्स आने चाहिए, फटाफट आने चाहिए भाई, चलिए बिल्कुल सही बात है, 104 से 105, नॉर्मल कीज कितने होते हैं, 104 से 105, यानी कि 104 से 105 की आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होता है, क्या होता है, आपके कीबोर्ड में 104 से 105 की अवेलेबल होती है। ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी बन चुका है, ध्यान रखना इस चीज को। और वैसे तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो कीबोर्ड है उसका कई पार्ट डिवाइड हुआ है, ठीक है, कई पार्ट डिवाइड हुआ है, हाँ अगर हम पार्ट की बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में जो सबसे पहला पार्ट आता है आपका वो होता है अल्फाबेट, क्या होता है, आप अल्फाबेट, अच्छा एक बात बताओ कितने अल्फाबेट्स होते हैं आपके कीबोर्ड में, जल्दी बताओ फटाफट आप लोग बताइए कि कितने, हाँ कितने अल्फाबेट होते हैं आपके कीबोर्ड में, जल्दी बताइए फटाफट कितने अल्फाबेट होते हैं आपके कीबोर्ड में,
104 कहाँ होते हैं भैया? 104 अल्फाबेट कहाँ पढ़ लियो? कहाँ फॉरेंस पढ़ के आओ का? हाँ 26 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 26। ठीक है, क्या होते हैं आपके जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए चलिए, क्या होता है आपका, इसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट की अगर हम बात करें, यार क्या लिखा जा रहा, कितने आपके अल्फाबेट होते हैं जल्दी बताइए? 26, बिल्कुल सही बात है आपकी, यानी कि आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, A to Z। क्या कहते हैं? A to Z। बात समझ में आई? कितने होते हैं आपके A to Z, यानी कि 26 अल्फाबेट हमारे एक नॉर्मल कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। कितना? 26 अल्फाबेट्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका न्यूमेरिक। दूसरा क्या होता है आपका? न्यूमेरिक, जिसे हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नंबर के नाम से जानते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो आपके 10 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 10 नंबर। आपके 10 नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? 0 to 9। यही तो होता है ना भाई, कितने नंबर होते हैं जल्दी बताइए फटाफट, कितने नंबर्स अवेलेबल होते हैं आपके कीबोर्ड में, नॉर्मल कीबोर्ड में कितने नंबर अवेलेबल होते हैं फटाफट बताइए? एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने नंबर्स अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, 10 होते हैं, 0 to 9, ध्यान रखना इस चीज को। तीसरा होता है आपका आपके कीबोर्ड में, जिसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फंक्शन की के नाम से जानते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो 12 होता है। कितना होता है भाई? 12 होता है। अच्छा बताओ कितने कीज होते हैं फंक्शन, और प्लस कहां से लेके कहां तक का की होता है? जल्दी बताओ फटाफट, सबके कमेंट्स आने चाहिए, तभी तो क्लियर होगा ना यार कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, कीबोर्ड की डिटेल्स आप जानते हो या नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आज क्लियर कर लो। बिल्कुल सही बात है, आपके फंक्शन की 12 होते हैं, और F1 से लेकर के F12 तक, कहां तक? F1 से लेकर के F12 तक आपका होता है। इस बात को ध्यान में आप रख लो, यानी कीबोर्ड्स में क्या होते हैं आपके? अल्फाबेट, न्यूमेरिक प्लस फंक्शन की। एक और होता है जिसे हम लोग स्पेशल की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पेशल की के नाम से जानते हैं। अगर हम स्पेशल की बात करें, किसकी बात करें? स्पेशल की बात करें तो हम लोग स्पेशल की, हाँ बिल्कुल, अगर स्पेशल की बात करें तो आप लोगों ने नाम बहुत सारे सुने होंगे, जैसे हमारा क्या होता है, इंटर होता है, स्पेस होता है, ठीक है, टैब होता है, अल्ट होता है, डिलीट होता है, अप होता, मतलब बहुत सारी कीज होती हैं जो आपके क्या होते हैं, स्पेशल की में आते हैं कंप्यूटर में। बहुत सारी की होती हैं जो क्या होता है आपके, स्पेशल की आती हैं आपके कंप्यूटर में, इन्हें भी आप जान लीजिए। एक चीज और होता है कई कीबोर्ड्स में, जिन्हें हम लोग मल्टीमीडिया की के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। और मल्टीमीडिया की में क्या होता है भाई? आपके 4 होते हैं, जो हमारा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, और ये होते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये आपके क्या होते हैं, मल्टीमीडिया की होते हैं। बात समझ में आई? इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया की के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट गूगल पे लेके चलते हैं, ये भी नहीं कि हमने पहले से आपका सेव कर रखा है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आपको गूगल पे दिखाते हैं क्या होता है कीबोर्ड, कितने टाइप्स के होते हैं कीबोर्ड आपके। ठीक है, चलिए चलिए
अगर हम लोग बात करें हम आपको दिखाते हैं कीबोर्ड, एक मिनट बस हमको टाइम दे दीजिए। चलिए अगर हम लोग देखो कीबोर्ड की बात करें बेसिकली जिसमें आपके देखो आपका जो नॉर्मली कीबोर्ड होता है उसमें आपका मल्टीमीडिया की अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो भी आपके थोड़े से अच्छे कीबोर्ड्स होते हैं दिन देखो जैसे मान लो ये देखो मैं इसको दिखाता हूं आपको, देखो जैसे ये कीबोर्ड जो आपके सामने खुला हुआ इसको ध्यान से देखो, इस कीबोर्ड को आप ध्यान से देख लो, ये कीबोर्ड इसमें कितने कीज हैं, क्या क्या अवेलेबल हैं, इन सब चीजों को आप एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये साफ नहीं दिख रहा है क्या, हम वो कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं जिस कीबोर्ड में क्या मल्टीमीडिया की भी होती हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग रहा है। चलो यहीं पे देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो सबसे पहले क्या है ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो अगर हम बात करें किसकी इनकी, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है जो आपको ये दिख रहे हैं इतना दूर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। किसके नाम जानते हैं, अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो दूसरा आपका है मैंने आपको बताया था फंक्शन की, ये आपका क्या होता है, इसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। देखो F1 से लेकर के F12 तक है, ध्यान से देखो यहां पे F1 से लेकर के कहां तक है, F12 तक है, इसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। ये देखो ऊपर जो है आपका ये क्या है, मल्टीमीडिया की है, ध्यान से देख लो मल्टीमीडिया की है, इसे हम लोग मल्टीमीडिया की कहते हैं। किसके नाम जानते हैं, मल्टीमीडिया की के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो आप लोग जानते हो साउंड को धीरे करना, तेज करना, इनफैक्ट कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें इसमें करना ही क्या होता है, आपके मल्टीमीडिया जितने भी वर्क्स होते हैं इसी के अंदर आते हैं। अब इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद आता है आपका स्पेशल कीज। अब देखो टैब हुआ, कैप्स लॉक, शिफ्ट कंट्रोल, अल्ट स्पेस, इंटर, शिफ्ट कंट्रोल, विंडोज अल्ट, ये सब क्या है आपके, ये सब जितने भी हैं आपके ये क्या होते हैं, स्पेशल की होते हैं, क्या होते हैं आपके, स्पेशल की कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, स्पेशल की कहे जाते हैं, बिल्कुल भाई। चलिए इसके बाद आपका लास्ट जो मैंने बताया था आपको, बताया था अल्फाबेट्स, अरे सॉरी नंबर्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर के नाम से जानते हैं। और देखिए ये भी आपके नंबर्स में आते हैं, इन्हें भी हम लोग नंबर ही कहते हैं, किसके नाम जानते हैं, नंबर के नाम से जानते हैं। ये आपके होते हैं क्या, कीबोर्ड। इतना आपको समझ में आ गया कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कीबोर्ड को कितने भाग में बांटा गया है, ये सारी डिटेल्स मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट आप लोग कमेंट करें और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें, जल्दी बताइए। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए। हाँ चलिए बिल्कुल सबको आ गया, बिल्कुल चलो अच्छी चीज है अगर सबको समझ में आ गया तो, ठीक है। अगर एक बात, हाँ ठीक है ठीक है, चलो देखो अगला टॉपिक आता है आपका, आपने सुना होगा माउस, ठीक है। किसका नाम सुना होगा आपने, एक माउस का नाम सुना होगा, जिस माउस के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आज, किसके बारे में जानेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा माउस के बारे में भी जानेंगे।
ये हमने पढ़ाया आपको क्या, कीबोर्ड। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, कि ये होते हैं आपके कीबोर्ड और इतने इसके अंदर पाए जाते हैं आपके, हाँ इतने पार्ट्स में आपका डिवाइड हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। चलो अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है माउस। क्या आता है आपका अगला टॉपिक जो आता है उसे हम लोग माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, माउस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग माउस की बात करें, किसकी बात करें, चूहा की बात करें अगर, तो चूहा क्या होता है पहले ये जान लो। घर में बहुत चूहा पकड़े हो आप, बहुत चूहा देखे हो मुझे पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, चूहे तो आप लोग पकड़े हो, चलो ठीक है, अच्छी चीज है, आपको समझ में आ रही है बात। हाँ अगर हम बात करें इस माउस की, तो दैट इज यूज्ड टू पॉइंट द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये हमारा पॉइंटर होता है जिससे हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। बात समझ में आई, क्या करते हैं, ये हमारा एक पॉइंटर होता है जिससे हम लोग किसी पॉइंट को विशेषता सेलेक्ट करने का काम करते हैं, उसे हम लोग माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, माउस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई, किसके नाम जानते हैं, माउस के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इट्स आल्सो नोन एज पॉइंटर। किसके नाम जानते हैं, इट्स आल्सो नोन एज पॉइंटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसके नाम से, पॉइंटर के नाम से जानते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया। हाँ दीप गोस्वामी, 10th क्लास का सिलेबस बिल्कुल स्टार्ट होगा, यूनिक टॉपर्स हमारा जो दूसरा सब चैनल है उस पे आपको एकेडमिक सारा मिलेगा भाई, ठीक है, तो आप उस चैनल को भी कांटेक्ट करें, उस चैनल को पकड़ें, वहाँ से तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे आज हम लोगों की आईटी टूल्स की लास्ट डेमो क्लास है, मंडे से आपकी क्लास प्राइवेट चलेंगी, जो लोग भी ज्वाइंट किए हैं, ठीक है, सभी लोगों को प्राइवेट क्लास मिलेगा मंडे से। शाम को 9 से 10 आईटी टूल्स की क्लास चलेगी, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट आईटी टूल्स, CCC, DCA, ADCA, OMC, ये सारी क्लासेस इसी के अंतराल में आती है, इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें माउस की, तो माउस बेसिकली आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम माउस की बात करें तो आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला अगर हम बात करें इसमें, तो कह सकते हैं कि बॉल माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बॉल माउस के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम बॉल माउस की बात करें, किसकी बात करें, बॉल माउस की, तो आप देखे होंगे एक माउस होता है जिसके पीछे एक छोटा सा क्या होता है, बॉल होता है। देखा है कभी आपने, आज के कुछ समय पहले जो है आपका ये माउस यूज किया जाता है, ठीक है, बस ये माउस हमारा क्या किया, यूज किया जाता था, जिसे हम लोग बॉल माउस के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, बॉल माउस की, तो आज के कुछ ही समय पहले, ज्यादा समय पहले नहीं, आज के कुछ ही समय पहले आपका क्या है, ये माउस इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे डॉग एंग्लेबर्ट हैं भाई आपके, कौन है लिख लीजिए आप, आरती, डॉग एंग्लेबर्ट हैं इसके फादर, बात समझ में आई, डॉग एंग्लेबर्ट हैं इनके फादर माउस के, जान लो। बिल्कुल भाई, चलो अगर हम बात करें इनकी माउस के, जो आपका बॉल माउस होता है उसमें क्या होता है, बॉल पाए जाते हैं और उसी के बॉल के हिसाब से ही वो क्या होता है, कार्य को करता है, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं बॉल माउस की फोटो अभी, एक आप लोग देख लीजिए,
हाँ ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, ये हमारा बॉल माउस होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, बॉल माउस है। ये क्या है, हमारा बॉल माउस है। इस बॉल माउस को आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको पूरा कंप्लीट चीजें दिखाई दे रही हैं, कंप्लीट चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा जो बॉल माउस है, ये पीछे का भाग है और यहां पे क्या है, एक बॉल लगी हुई है। इसी बॉल से ही क्या करता है, ये पूरा कंप्लीट मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, पूरा कंप्लीट मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे पूरे कंप्यूटर में जितने भी आपके वर्क हो रहे हैं, पूरे वर्क को कंप्लीट मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसे हम लोग बॉल माउस के नाम से जानते हैं। जिसके अंडर एक छोटी सी बॉल लगी होती है और जैसे ही हम लोग उसको टेबल पर रखते हैं, वो क्या होता है, घिसना शुरू होता है। जैसे घिसना शुरू होता है, वो क्या करता है, आपके पॉइंटर को हम लोग सेलेक्ट करने का कार्य कर सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बॉल माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, बॉल माउस के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा जो माउस आपका होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल माउस। किसके नाम जानते हैं, ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। अगर हम ऑप्टिकल माउस की बात करें, जो आपका दूसरा माउस पाया जाता है, वो क्या होता है, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस की अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर एक रेड कलर की लाइट लगी होती है और इसी के अंदर एक सेंसर लगा होता है, सेंसेस बॉडी, ध्यान रखना इस चीज को। एक सेंसर लगा होता है जो लाइट और सेंसर मिल करके क्या करते हैं, कंप्लीट मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट मूवमेंट करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आई। जैसे मान लो क्या हुआ, आपने देखा होगा माउस, उसमें क्या होता है, रेड कलर की पीछे लाइट लगी होती है और साथ में क्या होता है, एक छोटा सा उसमें कांच लगा होता है, देखेंगे ध्यान से दिखेगा आपको। उसी कांच से वो सेंसर होता है, जब हम लोग उसे रब करते हैं टेबल पे, तो क्या होता है, वो चलता है और जितना चलता है वो क्या होता है आपका, उतना ही उस मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है, पूरे कंप्यूटर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसे हम लोग ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। मैं दिखा देता हूं आपका ऑप्टिकल माउस क्या होता है, विद इन मिनट मैं आपको दिखा देता हूं ऑप्टिकल माउस क्या होता है। चलो अगर हम ऑप्टिकल माउस की बात करें, देखो ये आपका ऑप्टिकल माउस है, ये माउस तो आप बहुत देखे होंगे। देखिए ये अंडर, इसके अंदर देखिए एक लाइट लगी है, ध्यान से देखिए, ये क्या है आपके, यही आपका ऑप्टिकल माउस है। देखो यहां पे जो राइट रेड कलर की जो आपकी लाइट लगी हुई है, ये जो रेड कलर की लाइट लगी हुई, इसमें देखिए एक छोटा सा कांच के तरीके से लगा होता है, यही आपका सेंसर होता है। ये क्या होता है, आपका सेंसर होता है, जिसकी जिसको क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, पूरे कंप्यूटर के मूवमेंट पे अपनी नजर रखता है, किसी भी सिंगल पॉइंट्स को सेलेक्ट करने का जो कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल माउस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग, अगर जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और ताकि हम लोग भी और भी मेहनत कर सकें आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकल माउस, क्लियर। तीसरा जो होता है आपका, उसे हम लोग थ्री बटन माउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, थ्री बटन माउस के नाम से जानते हैं। क्या होता है आपका, थ्री बटन माउस। अगर हम थ्री बटन माउस की बात करें, ठीक है, हाँ अगर हम लोग थ्री बटन माउस की बात करें, तो थ्री बटन माउस का मतलब क्या होता है भाई, जिस माउस में आपके तीन बटन हो। जैसे आप लोगों ने ये माउस देखा होगा, सभी लोगों ने, एक यहाँ पे क्या लगा होता है आपका, ये एक छोटा सा माउस हो, आपने देखा होगा कि इसमें तीन बटन होते हैं, कितने बटन होते हैं, तीन बटन।
और इसी तीनों बटन से क्या होता है, पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। थ्री बटन माउस की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड बटन होता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड बटन होता है उसको हम लोग स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। ये जो छोटा है ना, छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। स्क्रॉल व्हील जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है वो क्या होता है, पेज को अप और डाउन करने के काम में आता है। किसके काम में आता है, किसी भी पेज को अप और डाउन करने के काम में आता है, उसे हम लोग स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई, उसे हम लोग स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। मैं दिखाता हूं आप लोगों को थ्री बटन माउस को, आप लोग देखेंगे तब और अच्छे से समझेंगे कि थ्री बटन माउस कौन सा होता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं से इसका जुगाड़ किया है फोटो का, मैं डायरेक्ट आपको गूगल से दिखा रहा हूं। देखिए ये आपका थ्री बटन माउस है, देख लो ये सब आपके थ्री बटन माउस हैं। कितने बटन के माउस हैं, थ्री बटन माउस, जिसमें देखो एक स्क्रॉल व्हील लगा हुआ है। सब में देखे ध्यान से, देखो सब में देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक स्क्रॉल व्हील लगा हुआ है जो आप देखेंगे छोटा सा, तो ये घूम रहा है, ये जो आपका घूम रहा है ये क्या है, स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। ये स्क्रॉल व्हील है और ये आपका क्या है, लेफ्ट बटन है और ये आपका क्या है, राइट बटन है, यानी लेफ्ट राइट और स्क्रॉल व्हील, ये तीन बटन इसमें दिए हुए हैं। इन्हीं तीन बटन से क्या होता है, पूरे कंप्यूटर को जो मैनेज करने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्री बटन माउस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, थ्री बटन माउस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। सबको क्लियर हो गया, चलो सबको क्लियर हो गया हो तो बताइए फटाफट, सबको क्लियर हो गया। लास्ट हमारा है वायरलेस माउस, जिसमें पूंछ ना हो। बात समझ में आई, जिसमें पूंछ ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो वायर के लेस हो, वायर से लेस हो, यानी कि जो विदाउट वायर आपका माउस होता है उसे हम लोग वायरलेस माउस के नाम से जानते हैं। और वायरलेस माउस में एक यूएसबी लगता है। अगर एक यूएसबी हम लोग किसी सीपीयू में इनबिल्ड ना करें तो शायद हमारा वायरलेस माउस और कीबोर्ड नहीं चल सकता, ठीक है। हाँ बिल्कुल भी शैली गौतम, पाइथन की क्लास डेली आपकी इवनिंग में 8 बजे से 9 बजे तक आपकी पाइथन की क्लास होगी और आप लोग उसे कंप्लीट ज्वाइन करें, सभी लोग जुड़ जाएं और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन्हें भी आप लोग शेयर करें इस चीज को, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए अगर हम बात करें किसकी, वायरलेस माउस की, तो एक वायरलेस माउस भी आप देख लो, ठीक है। वायरलेस माउस को मैं आपको दिखा देता हूं, चलो। शिखर यादव जी, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है, अरे यार ये तो हम परचेस कर रहे हैं, परचेस तो करना नहीं है हम लोगों को। चलो ये जितने भी माउस आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम ये क्या है, आपके वायरलेस माउस। जैसे देखो ये क्या है, आपका वायरलेस माउस है, इसे हम लोग वायरलेस माउस के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान से, ये है जो एक यूएसबी है, यही यूएसबी क्या होता है, आपके सीपीयू में लगता है। बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल, कल डेमो चलेगा पाइथन का, आईओटी का क्लास स्टार्ट होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है रविंदर जी। चलिए मैंने क्या बताया आपको कि ये जो आपका माउस है, माउस के बगल में जो छोटा सा की आपको दिख रही है ना यूएसबी, उसी यूएसबी को हम लोग सीपीयू में लगा करके क्या करते हैं, किसी भी माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर वो ना रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला, वो ना रहे तो माउस बेकार है, फेंक दो उठा करके, कोई उसका ऑप्शन नहीं है, खराब हो जाएगा माउस, इसलिए उसको बचा के रखते हैं। बात समझ में आई,
उसको लोग बचा के रखते हैं, उसको बहुत सेफ रखना पड़ता है, उसे हमेशा लगा करके रखना पड़ता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माउस के नाम से जानते हैं। कौन से माउस? वायरलेस माउस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलो सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, और बताइए जल्दी से फटाफट बताइए भाई, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये माउस क्लियर हुआ, माउस कीबोर्ड आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, कसम खा करके जाओ कि आज के बाद कभी माउस और कीबोर्ड को आप नहीं भूलोगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल जी, तंतीलाल मीना जी बिल्कुल, कोर्स को पूरा कंप्लीट ही पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है? सभी लोगों को क्लियर अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारी बात समझिए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और हाँ ध्यान रखें इस बात को कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ताकि उनको आगे की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी आपके नए न्यूज़ हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर के नए नए कोर्सेज आते हैं, सबकी डिटेल्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आज की वीडियो जिसको देखे सबको पसंद आई होगी, ठीक है? आज की वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। सभी लोग आराम से सोइए, गुड नाइट।